आंवला जिसको कि हम इंडियन गूसबेरी, अमृत फल या सुपर फ्रूट के भी नाम से जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिच होता है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम, साथ ही साथ कई सारे फ्लेवोनॉइड्स और बहुत सारे और केमिकल एंटिटीज़ हैं जो इसे बहुत ही गुणकारी बनाते हैं। जब हम बात करते हैं इसके विटामिन सी के कंटेंट की, तो हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा विटामिन सी का कंटेंट होता है बॉडी के अंदर में, उतना ही ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और किसी भी बीमारी से रिकवर करने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। यदि हम आंवला की बात करें तो 100 ग्राम आंवला का जो एक्सट्रैक्ट होता है या जो आंवला का जूस होता है, वो लगभग 20 ऑरेंज यानी कि 20 संतरे के बराबर का विटामिन सी आपको देता है, जिसकी वजह से इसकी इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनको कि ये कहा जाता है, जिनके बारे में ये जाना जाता है कि जो इंसान की मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी बीमारियों से रिकवर करने में, बहुत सारी हेल्थ कंडीशन को बेहतर करने में मदद करता है, जिसमें सबसे पहला है डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका बहुत अच्छा कार्य होता है और जो इसके सॉल्युबल या इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में मदद करता है। इसके बाद अनीमिया जैसी शिकायतों में इसका बहुत अच्छा योगदान होता है, उसको कंट्रोल करने में, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। विटामिन ए होने की वजह से हेयर फॉल में कंट्रोल करता है। अगर बालों का टेक्सचर बहुत खराब है, हम सदियों से आंवला के पाउडर को बालों पे लगाते चले आ रहे हैं, पर यदि हम उसका सेवन करें तो ये बालों को बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है और बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके बाद अनीमिया के साथ साथ इसमें और भी ज़्यादा थायराइड के डिसऑर्डर में ही मदद करता है, ऐसे करके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब यही आंवला जो कि इतना गुणकारी है, इसके साथ यदि तुलसी का अर्क मिला दिया जाए, जैसा कि एप्लॉम के प्रोडक्ट में किया गया है, तो इसकी खूबियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि तुलसी बहुत अच्छा रोगनाशक के तौर पर जाना जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जाना जाता है। तो जब ये दोनों ही एंटिटी साथ में आती हैं तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट बन जाता है और हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ देता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रोडक्ट है, जिसका नाम है एप्लॉम आंवला नेक्टर। एप्लॉम आंवला नेक्टर के अंदर में आंवला, तुलसी के साथ साथ वाइल्ड हनी का एडिशन किया गया है और उसके साथ साथ कर्क्यूमिन यानी कि हल्दी के एक्सट्रैक्ट का सम्मिश्रण किया गया है। जैसा कि माना जाता है कि यदि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ना हो तो हमारा शरीर के जो हार्मोन्स है वो बहुत अच्छे प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों का जो सम्मिश्रण है, ये हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा कार्य करता है, साथ साथ जो हार्मोनल समस्याएं आ रही हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, उनको इम्प्रूव करने में मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि जो कर्क्यूमिन यानी कि हल्दी होती है, इसका एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, तो शरीर में कहीं भी यदि सूजन है या इंफ्लेमेशन है तो ये उसको चेक करता है। साथ ही साथ तुलसी के बारे में हमने आपसे पहले ही बताया कि एंटी माइक्रोबियल होने की वजह से, इम्यूनिटी बूस्टिंग करने की वजह से इसके बहुत सारे गुण होते हैं। इसके बाद जब हम इसमें वाइल्ड हनी ऐड कर देते हैं, तो वाइल्ड हनी हमें जरूरी, जो हमारे शरीर का जरूरी पोषण है, हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो प्रदान करता है। तो कुल मिला के ये चारों एंटिटीज जब मिलती हैं तो ये प्रोडक्ट अगेन बहुत ही जबरदस्त गुणकारी प्रोडक्ट बनता है और आपको बहुत सारे लाभ देता है, शारीरिक और स्वास्थ्य लाभ देता है, जिसकी कि हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी।